विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की बैठक मां पंचबहनी मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें बालेश्वर बेदिया, जयंत तुरी, शमीमा बानो को समिति में नया सदस्य बनाया गया तथा इन लोगों का जोरदार स्वागत समिति में किया गया। बैठक की अध्यक्षता खुशबू देवी तथा संचालन पवन यादव द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा आंदोलन के लिए और सदस्यों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में असगर अली, प्रदीप साहू, मकसूद अंसारी, समीम अंसारी, कुलदीप यादव, अजय यादव के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। कर रहा है और हमारी लक्ष्य भी यही कि समाधानिक पूर्ण रूप से हम लोग को आगे निभाते हुए हम लोग अपनी मंजिल को पाएंगे। और इसके हमारे मुख्य मुद्दा है जी कि स्थापित प्रभावित अधिकार समिति का यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार, नौकरी और CSR फंड के तहत से इस क्षेत्र का विकास के लिए। तो अभी हम लोगों को जो 157 विस्थापितों प्रभावितों का जो सूची सौंपी गई थी, उसमें से विधायक मैडम के माध्यम से कहा गया था कि अभी फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को कार्य पर रखें। इसमें से कुछ लोगों का पहल हो चुका है, उनका गेट पास वेट बन चुका है और सेफ्टी का साथ। मैडम ने कहा बताया कि 3 लोगों का बात हुआ है। नहीं नहीं, मैडम किसी के लिए नहीं, मतलब वो किसी का नाम प्रस्तावित नहीं रहा। नहीं नहीं, हमारे समिति, मैडम हमारे एक माध्यम है, समिति ही निर्णय करेगी। हमारे समिति का जो है स्कूटी मेंबर, हमारे स्कूटी, मैं आपके अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूटी मेंबर जो है, कुछ लोग जो है यहाँ से नाम डालते हैं ऊपर में। और अभी 3 लोगों का हो चुका है ज्वाइनिंग, कुछ लोगों का हो चुका है और इस सप्ताह के अंदर में और कुछ लोगों का हो जाएगा। और आप नहीं होगा तो इसके लिए फिर विधायक मैडम उस समय और दिए हुए हैं, और नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए, जो इससे कि संवैधानिक रूप से जो करना है। अभी झारखंड में टंडवा जो है प्रतिष्ठान जो है 2000 मेगावाट का, वहाँ भी आज का जो बैठक है हमारा, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि कंपनी 13 तारीख तक 50 आदमी को रखने की बात की थी, उसमें से अभी वो 50 में 3 या 4 लोगों को, 3 लोगों को रखा है। तो और जो बाकी लोग हैं उनको क्यों नहीं रखा गया है, इस बारे में आज हमारे समिति में चर्चा किया गया है। और जल्द से जल्द 50 लोगों का कॉलम को नहीं भरती है समिति कंपनी, तो समिति अगला कदम अपना उठाएगी। देखिए, आज से पहले के वार्ता प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में हम लोग का जो डिसीजन हुआ था 50 आदमी 13 मार्च तक रखने का, काम में रखने का, तो प्रबंधन कहीं ना कहीं से 13 तारीख तक इस काम करने में विफल साबित हुई है और 50 लोगों को नियुक्ति करने में विफलता दर्शाई है। और ये हम लोग उस दिन भी बोले थे, हम लोग कभी आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग प्लांट का सहयोगी बनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रबंधन का कदम, मेरा सवाल ये था कि मैडम, विधायक मैडम ने आवाज़ उठाई, वही जा रहे हैं। ये प्रबंधन का रवैया देखने को मिल रहा है, इसे साफ ये प्रबंधन दर्शाया जा रहा है, दिख रहा है कि ये हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन कहीं ना कहीं से हमारी समिति को आंदोलन करने के लिए निमंत्रण कर रही है। जो डिसीजन हुआ, जो फैसला हुआ वार्ता में, उस पर पहल होनी चाहिए, और नहीं कर रही है तो आंदोलन करने के लिए हम लोग आकर्षित कर रही है या तो निमंत्रण कर रही है।